हाय, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं जवेरिया सिद्दीकी, मेरे साथ हैं और मैं हूं फैसल हरल। और आजकल हम देख रहे हैं बस, डबल डेकर बस हम देख रहे हैं, मतलब इतनी प्यारी प्यारी हैं। वोल्वो आज हमने देखी है और अब एक और बस है और इस वीडियो का नाम है मोस्ट लग्जीरियस डबल डेकर बस। और अब देखते हैं कि भाई इसमें ऐसी क्या खासियत है, क्योंकि जब डबल डेकर का नाम बंदा सुनता है ना, तो हमारे पास चलते हैं डबल डेकर बर्गर। हाँ डबल पैटी और तो डबल जैसे ही डेकर। आपने बोला ना डबल डेकर, तो हाँ। मेरे माइंड में वो बर्गर आ गया जिसको इतना ऐसा वो बर्गर होता है वो हाँ। कट्टा मुंह भी नहीं खोला जाता। हाँ। उस डेकर को एक साइड पे करना पड़ता है, सिंगल करके खाना पड़ता है। तो अब ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, और जो भी हमारी ओपिनियन होगी इस वीडियो के रिलेटेड वो हम लास्ट में शेयर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज इस वीडियो में, जहाँ पे मेरे पास में बहुत ही इंटरेस्टिंग बस है, डबल डेकर लग्जरी ऐसी बस आई एम श्योर आपने कभी नहीं देखी होगी। बट अंदर ले जाने से पहले मैं आपको बाहर कुछ जरूरी चीजें बताता हूँ। सबसे पहले आदिपुत्र वोल्वो वाला कंफ्यूजन दूर करता हूँ। वोल्वो की ये चेसी पे बनी हुई बस है, B11R जो वोल्वो की बस आती है उसकी चेसी पे बनी हुई है। आदिपुत्र जो है वो कंपनी का नाम है। अब आदिपुत्र कंपनी जो है वो 50 सालों से ये काम कर रही है। वो क्या करते हैं, बेसिकली बॉडी बनाते हैं ऊपर की, और इतना महीन तरीके से बनाते हैं कि वोल्वो जो है वो भी शायद ना बना पाए कुछ कुछ चीजें। आओ बताता हूँ आपको क्या क्या चीजें हैं वोल्वो, कुछ कुछ जगह लिखा हुआ आपको अभी भी मिलेगा। साइड में ये टायर्स आप देख पा रहे हो, मिशलिन के बड़े जो टायर्स हैं, ये 6x2 ओवरऑल ये बस है। ये 7 फुट तक की हाइट होगी, इससे ऊपर 14 फुट लंबी जो है ये बस यहाँ पे बना रहे हैं। उसके स्पेसेस हैं यहाँ पे बेसिकली आप सामान वामान रखने, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें एक्सेस करने के लिए, ये सामान रखने के लिए इंपॉर्टेंट चीजें एक्सेस करने का उधर है। यहाँ पे जो है आपके पास में ये तो बैटरी लगी हुई है, यहाँ पे प्रोबेबली कोई चीज इंटरनली कुछ चलानी है उसके लिए। इसमें क्या लगा हुआ है, ये बंद है। इनमें से कुछ कुछ सामान रख सकते हो, कुछ कुछ चीजों में ऑलरेडी कुछ प्लेस है। ये बैटरी टेम्परेरी है, ये तो अभी आज जहाँ पे खड़ी है उसके लिए लगे हुई, पर यहाँ पे सामान ही रखा जाता है। उसके बाद में पीछे इसका इंजन जो आ जाता है 450 हॉर्स पावर ये जो है बस बनाती है। सीक्वेंशियल इंडिकेटर है भाई, क्या आप बात कर रहे हो, और इतने स्मूथ तरीके से इंडिकेटर्स वगैरह जो है काम कर रहे हैं वो है। बट आपको मैं ज्यादा ऐसे बातें बातें नहीं करता हूँ, मैं आपको जो है अंदर ले चलता हूँ। ये भी लॉक है करंटली, ज्यादा बातें बातें नहीं करता हूँ, सीधा अंदर लेके चलता हूँ क्योंकि वही असली मसाला। अंदर आ जाओ आप, अंदर जो है असली चीज है भाई साहब। देखो क्या होता है ना कि फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास, इकोनॉमी क्लास सब देखा होगा आपने, बट इस पूरी बस में कोई इकोनॉमी क्लास ही नहीं जो है वो फर्स्ट क्लास कह लो आप। सबसे पहले मैं आपको यहाँ ले जाता हूँ, यहाँ पे जो है कुछ लगेज जो है वो रखा जाता है, कुछ भी चीजें नहीं है, लेकिन ये जो एरिया देख पा रहे हो ये पूरा का पूरा जैसा वॉल्यू देता है वैसा का वैसा है, कुछ खास नहीं है यहाँ पे ज्यादा, इसलिए मैं अंदर जाके नहीं दिखा रहा हूँ। एक टच स्क्रीन जो है ये बाद में ऐड की गई है, बाकी नॉर्मल वही सारे बटन है। हाँ ऑब्वियसली ड्राइवर जो है उसके पास में मल्टीपल कंट्रोल्स वगैरह है और ये ऑटोमेटिक है, तो वो वाली चीज है, मतलब मल्टीपल कंट्रोल्स, लाइटिंग वाइटिंग के कुछ कंट्रोल्स है। केबिन वगैरह की मोस्टली लाइटिंग जो है वन टच में वहां से शुरू हो जाती है, उसके बाद सब चीजें जो है अंदर से होती है। यहाँ पे रखो आप सामान, ठीक अच्छा, है उसके बाद में आप क्या करोगे, आप आओगे आगे और आप जो है ये सीट छोड़ो, मैं आपको ये वाली सीट पे बैठ के दिखाता हूँ कि क्या कुछ चीजें हैं। ये है असली लग्जरी, मैं यहाँ बैठ रहा हूँ आराम से, ठीक है। और ये है पूरा, एक्चुअली पूरा रेक्लाइन है। हाँ ये धीरे 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 धीरे, ये तो मेरा नॉर्मल पोजिशन। अगर मुझे सामान पाँव नीचे रखना है तो मैं नीचे पाँव रख सकता हूँ, यहाँ पे कुछ चीज रखनी है वैसे रख सकता हूँ। मेरे पास में स्क्रीन है भाई साहब, यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर स्क्रीन है यहाँ पे आप अपना जो है कुछ भी टीवी जो भी चल रहा है वो चला सकते हो। इमेजिन करो यहाँ पे बाहर के देशों में कौन सी मूवी चलती होगी, अपने यहाँ तो कोई गोविंदा की बढ़िया फिल्म चल रही होती तो मजा आ जाए, वो वाली चीज चलती है। बट यहाँ पे जो है आप इसको रिक्लाइन जो है वो कर सकते हो। रिक्लाइन करने के बाद में अगर आपको कोई खाना परोसा है, अरे भाई हल्की चीजें है ही नहीं बस में, ये देखो आप क्या बात कर रहे हो, आपको सामान काम वाम करना है वो आप इसमें कर सकते हो, और खजाना निकल जाएगा आप अंदर से। और ये इजी नहीं है, ये देखो आप सर प्रॉपर मेटल, भाई क्या बात कर रहे हो। पर्दे वगैरह आपके पास में यहाँ पे दिए हुए हैं, ऊपर की तरफ 2 USB जो है वो यहाँ पे दी हुई है, लाइट दी हुई है बहुत ही ब्राइट, 2 USB जो है यहाँ पे, भाई लाइट तो बहुत ही ब्राइट है। यहाँ पे AC वेंट जो है वो दिया गया है, आदिपुत्र की ब्रांडिंग जो है वो यहाँ पे दी हुई है, और उसके बाद में मैगजीन होल्डर वगैरह आगे दिए हुए हैं, 2 कप होल्डर यहाँ दिए हुए हैं, 2 प्रॉपर मोबाइल होल्डर वगैरह चीजें दिए गए हैं, ऑब्वियसली सीट बेल्ट जो है वो भी आपको यहाँ दिया गया है। बट सीट बेल्ट जो है ये सब चीजें तो मैं आपको ऊपर जाके दिखाता हूँ, इतनी लंबी वगैरह कहीं बस में सफर करना हो आपको तो आपको चाहिए हो ना यार, बिल्कुल चाहिए होगा। आप छोड़ो मैं अंदर जाके बता देता हूँ आपको क्या कुछ चीजें कैसी है। सबसे पहले जो है यहाँ पे आके बैठ जाओगे, एज यूजुअल आपका बिजनेस होगा यहाँ पे, यहाँ पे आपके बस में रोल जो है वो रखा जाएगा। जेट स्प्रे भी अपने लिए भाई, कैमरे पे मार दूंगा, जेट स्प्रे दिया गया यहाँ पे, वाटर जो है मिक्सचर दिया गया, तो गर्म ठंडा पानी मिक्स हो गया यहाँ पे, इस तरीके से आएगा। यहाँ सैनिटाइजर लग रखा है, यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर एक ग्रैब रेल,
ताकि बस चलते हुए अगर कहीं से निकले, उसके बाद में यहाँ पे जो है आपके पास में प्रॉपर ये बंदा सामान रखने के लिए ग्रेनाइट वाली फिनिश दी गई है, ऐसा लकड़ी ही है, सनमाइका जो है वो दिया गया, ऊपर की तरफ लाइट है, काफी बढ़िया चीज है, काफी बढ़िया इंतजाम दिया गया नहाने के लिए यहाँ पे, क्या ही सही चीज बनाई भाई। चलो मैं अब आपको ऊपर लेके चलता हूँ, ऊपर जो है वहाँ पे भी कुछ कुछ चीजें जो है इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। ये क्या चीज है पता नहीं, ओ ये वेंट है पीछे की तरफ जो एरिया है उसको, वहां से वेंट जो है वो यहाँ तक आता है। अब मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ, ऊपर जो है पूरा अपने से अपने लिए जो है एरिया खाली है, एकदम खाली है, सब कुछ अपना है भाई, आपको सारी बिजनेस क्लास सीट जो है यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ आओ आप। एक्चुअली सबसे आगे वाली सीट दिखाता हूँ आपको, क्योंकि असली माहौल तो वही है ना सबसे आगे वाली सीट पे ही। हाँ, तो ये पूरी ऊपर का व्यू ये बैठ के दिखाया मैंने आपको, ड्राइवर वाली दो जगह तरफ की विंडो है जो है, इसके नीचे ड्राइवर होगा, एक मैं देखूंगा आगे, एक मैं देखूंगा साइड वाली विंडो पे भाई, बस ओके यही लाइफ है। रिक्लाइन कैसे करना है, ये रिक्लाइन करने का सिस्टम ही समझ में नहीं आ रहा है। हाँ हो गया, ये सो जा, क्या बढ़िया सीट है, एकदम कंफर्टेबली मैं जो है सीट में सो सकता हूँ, पर अभी सोना नहीं है, अभी मुझे आपको दिखाना है वो कितने रिक्लाइन क्या कुछ चीजें होती है। लाल लाल बटन दबाओ एंड टेक इट ऑल द वे बैक भाई, बढ़िया है यहाँ पे मेरे जैसे बंदे के लिए भी अच्छा खासा स्पेस है यहाँ पे, उसमें अगेन स्क्रीन है अपने देखने के लिए, कुछ चीज आपको देखनी हो एसी वेंट वगैरह जो है वो दिया गया है, बट अगर आप यहाँ बैठते हो ऊपर वाले में तो आपके पास में कुछ कुछ चीजें मिसिंग है, जैसे नीचे वाले में आर्मरेस्ट वार्मरेस्ट थी उसी चीज, तो कह सकते हो नीचे वाला फर्स्ट क्लास है, ऊपर वाला बिजनेस क्लास है, ये चीजें कही जा सकती है, बट चार्जिंग सॉकेट वगैरह जो है वो एक्चुअली यहाँ पे भी थे तो सही, बट कहाँ चले गए पता नहीं, कुछ एक जगह चार्जिंग सॉकेट जो यहाँ पे बने हुए थे आई थिंक वो पीछे वाले में, ओके हाँ, कि आगे वाले दो चार लोग जिनको व्यू मिलता है उनके पास में चार्जिंग सॉकेट नहीं है, बट यहाँ वाले जो है पीछे वाले जितने भी लोग, मतलब आगे की दो सीट छोड़ के पीछे की जितनी भी सीट्स एक्चुअली मैं आपको दिखाता हूँ, उनके पास में तो ऊपर की तरफ चार्जिंग सॉकेट वगैरह भी है, ये चार्जिंग सॉकेट वगैरह यहाँ दिए गए, ये सब चीजें यहाँ बड़ी है। एक और चीज दिखाऊंगा आपको, बट अगर आप एक्स्ट्रा लंबे हो, 7 फुट लंबे हो खाली जैसे लोग, रुको ये भाई गजब ही स्पेस इसमें है, अभी तो ये पूरी रेकलाइन भी नहीं है आई थिंक, और रेकलाइन पीछे हो जा रही है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पेस है। ओ ये भी आगे पीछे जाता है भाई, ये तो मुझे पता ही नहीं था, बहुत ही इंटरेस्टिंग है यार, एक्चुअली ये बहुत कंफर्टेबल है, हाँ इसमें मैं कहीं भी ट्रेवल करता हूँ, आप जहाँ बोलो दुनिया घूम सकता हूँ इसमें, बस ये दुनिया बस नहीं जा सकती है क्योंकि कुछ कुछ जगह ग्राउंड क्लियरेंस उसकी वैसी नहीं है। अब आपको दिखाता हूँ मैं स्टोरेज स्पेस, ये देखो आप बढ़िया एकदम एयरक्राफ्ट स्टाइल जो है स्टोरेज स्पेस है, हालांकि इसमें वो ATR छोटू एयरक्राफ्ट आते ना उतना ही लगेज स्पेस आएगा, इतना भाई गजब क्वालिटी यार, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे भी एक्चुअली अच्छी क्वालिटी। उसके बाद में ऑब्वियसली इमरजेंसी एस्केप जो है वो आपके पास में यहाँ पे होगा ही, और पीछे की तरफ AC के वेंट्स जो है वो है, यहाँ से एयर सक इन होती है और उसके बाद में अलग अलग जगह से ठंडी फ्रेश एयर जो है वो आती रहती है। ये चीजें हो गई भाई, अब बताओ मुझे ऐसी लग्जरी बस में आप कहाँ ट्रेवल करना चाहोगे, इंडिया में कहाँ चलनी चाहिए ऐसी लग्जरी बस, जो आप जो है फ्लाइट या ट्रेन नहीं लोगे, या आपको कुछ ऐसा और कोई लगता है कि इंडिया में कुछ है इसका कॉम्पिटिशन, वो बताओ मुझे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई, बताएं लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, अगली वीडियो में दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए, धन्यवाद। ओ माय गॉड, जो ऊपर वाली जो थी ना, जो फर्स्ट बिल्कुल पहले, बहुत, लेकिन इन्होंने कहा कि उधर कोई चार्जिंग पॉइंट नहीं है, बट आई एम श्योर वहाँ पे होगा, होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप जो इतनी लग्जरियस बस में सफर कर रहे हो और उधर जो चार सीट्स हैं, भाई को बस मिला नहीं है, भाई ने ढूंढा नहीं है उनको, आई एम श्योर वो नीचे होता है कि आगे कहीं ना कहीं नीचे करके, हाँ, साइड पे या कहीं पे वो बॉक्स के अंदर होगा वो जो खुलता है मिलता है। और नीचे मुझे समझ नहीं आया कि नीचे उन्होंने दिखाया कि वो थे आगे और नीचे वो लगेज के लिए जगह थी और चार सीट्स थी नीचे, उसको उन्होंने कह दिया फर्स्ट क्लास, ऊपर को कह दिया उन्होंने बिजनेस क्लास, लेकिन नहीं मेरा ख्याल है नीचे की जो सीटें हैं उसका फेयर ज्यादा होगा जो ऊपर वाली, क्योंकि दो दो इकट्ठी हैं, और जो नीचे वाली हैं वो एक एक है और बहुत ज्यादा स्पेस है, तो उनकी जो टिकट प्राइस होगी वो ज्यादा होगी, जो ऊपर वाली है वही बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास की आगे। लेकिन मुझे लग रहा था कि नीचे जो है वो बहुत कम उसने दिखाई है, आई थिंक उसने दिखाई कम है या वो होंगी, तीन चार ही थी क्योंकि वो बैग रखने के लिए स्पेस ही आती बस की, तो वो घेर गया वो गोल्डन सा जो आगे ड्राइवर की जगह, तो जो नीचे वाला फ्लोर है ना उस पे 4 से 5 और उधर जो है वो आपको वॉशरूम भी मिल जाएगा, हाँ, वो भी सारा ऊपर वाले को नीचे आना पड़ेगा, हाँ, और ऊपर जो थी वो काफी ज्यादा जगह थी और फ्रंट वाली तो बहुत ही आला थी, और पीछे वाली जो वो थी ना कि वो रिक्लाइनर्स जो थे वो तो थे ही थे, लेकिन वो आगे वाला जो हिस्सा था वो भी आगे पीछे मूव कर रहा था। वो कहता अगर ग्रेट काली है ना रेसलर इंडिया का, वो उसकी ना हाइट बहुत ज्यादा, तो कहता अगर काली जैसा बंदा होगा ना वो भी इधर बड़ा इजी होके सो पाएगा, 7 फुट का है 8 फुट का है,
तो अगर लेग स्पेस की बात करें तो लेग स्पेस काफी ज्यादा थी, काफी और अगर ऊपर की बात करें तो सीटें दोनों कटी थी, ऊपर जरा थोड़ा सा है, नीचे ज्यादा माहौल था, ऊपर दोनों सीटें कटी हैं, तो ऊपर वाली कहीं कपल सीटें तो नहीं रखी हुई इन्होंने? हो सकता है कपल्स या दो लोग हाँ, जो साथ सफर हाँ, सफर कर रहे हो, जो साथ ट्रैवल कर रहे हो, उनके लिए भी, और जिनको बड़ा ही को मस्ती मॉल चढ़ा हुआ है वो नीचे की सीटें ले हैं और पैसे ज्यादा भरे हैं, नीचे वाला आई थिंक बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होगी। लेकिन अच्छा, इसमें किचन नजर नहीं आई? किचन इसमें नहीं था, वो हमने एक वॉल्वो की देखी थी जिसमें भाई वो डबल डेकर नहीं थी, वो डबल डेकर नहीं थी, लेकिन वो बिजनेस क्लास ही वो बस थी, और वो उसकी तो वाइब भी कुछ अलग थी। ये थोड़ी सी ना अपनी अपनी फील हो रही है, वो तो ऐसा लग रहा था भाई वो तो सिर्फ थी 12 सीटर, 12 की 12 ही ऐसी थी जिस तरह इसके नीचे की जा, उसको ऐसा देख के ना रिलेटेबल फील नहीं हुआ कि जैसे हम, लेकिन ये ना ये देखकर ऐसा लगा है कि जैसे ये हमारी ही है, क्योंकि जो हमारे पास चल रही है ना ये कोई मेड इन पाकिस्तान नहीं है, ये बाहर से ही आती है, वो बाहर से ही आती है, सारी बाहर से आती है, फिर आगे से ब्रांडिंग कर दी, जैसे फैसल मूवर्स है, सानी है, तो जो ब्रांड है वो अपना उस पे ऊपर लोगो लगा देगा, बट बस सारी मैन्युफैक्चर जो होती है बाहर ही होती है, तो इसलिए वो हमें भी वाइब आ रही है इसके साथ, इस तरह की बसेस हैं, डबल डेकर नहीं है ना, ऊंची तो है बट डबल डेकर नहीं है ऊंची भाई, वो जो बाहर से उसने व्यू लिया था ना, एक तो ब्लू कलर प्यारा लग रहा था, ऊपर से वो ऐसे उसकी हाइट थी बहुत ही ज्यादा, मतलब मैं तो कहती हूँ इससे भी ज्यादा हाइट थी। हाँ, ये भी टूर बस कहलाई जा सकती है, टूर बस कहलाई जा सकती है कि अगर किसी ने कहीं पे टूर करना और लग्जरी टूर करना है तो वो अच्छा, बस की एक अपनी वाइब है, ट्रेन की अपनी वाइब है, गाड़ी की अपनी वाइब है, एरोप्लेन की अपनी वाइब है, तो सारी वाइब जिसको जितना जिसका बजट है वो वाले वाइब ले ले, तो अपनी अपनी वाइब है वाकई, लेकिन जो दोस्तों यारों के साथ है ना अपनी गाड़ी में, अपनी गाड़ी में उसमें ये होता है कि इसमें ये रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, यहाँ नहीं रुकना, ये नहीं करना, वो अपनी गाड़ी में टेंशंस भी बहुत होती है, टेंशंस होती है कि आपने खुद ही देखना है कि भाई कहाँ से जा रहा है, क्या है इसका, डीजल का है, पेट्रोल का, खराब हो जाती है, टायर पंचर हो गया रोड के ऊपर, ही सारे बॉयज लगे हुए हैं जैक लगाने और टायर निकाल रहे हैं और डाल रहे हैं, लेकिन अगर जिसने टेंशन फ्री कहीं टूर करना है तो वो या तो बस में जाए। ये बस जो थी ना ये मुझे ऐसे ही लग रहा था कि जैसे कहीं पाकिस्तानी बस है, अगर नीचे वाला हिस्से को निकाल दिया जाए और डबल लेकिन अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, लग्जीरियस थी भाई। आप लोग बताएं कि आपको ये बस कैसी लगी है, हमें तो बहुत लग्जीरियस लगी है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसका आई थिंक अब हमें ना थोड़ा सा है कि इसका प्राइस भी हमें जानना है कि क्या चल रहा है, अगर कोई किसी ने बंदे ने भाई ने हमारे देखने वाले ने कहीं सफर किया हुआ तो वो हमें गाइड कर सकते हैं कि क्या इसका फेयर वगैरह चल रहा है, किया होगा, किया होगा, बहुत सारे लोगों ने किया होगा, लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें। Side reaction, take care.